नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। आजकल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है और हम पहुंच गए हैं एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज पर। फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के में भारत में राष्ट्रीयता नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक पर हम आपसे 15 सवाल प्रत्येक सीरीज में आपके सामने रख रहे हैं और जिस तरीके से आपका रिस्पांस आ रहा है मुझे बेहद खुशी है कि मेरे विद्यार्थीगण काफी उत्प्रेरित है। तो चलिए दोस्तों, इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रीयता के टॉपिक पर ही 15 सवाल आपको इस सीरीज में पूछे जाएंगे। इससे पहले कि हम एमसीक्यू 32 के 15 सवालों की ओर चलें, हम चाहेंगे कि एमसीक्यू 31 के आंसर शीट आपके सामने रख दिए जाए। एमसीक्यू 31 में भी 15 सवाल आपसे पूछे गए थे जिसके आंसर आपके सामने हम रख रहे हैं। आप खुद अपना इवैल्यूएशन कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए एमसीक्यू 31 नंबर की सीरीज के आंसर शीट की ओर हम चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एमसीक्यू 31 नंबर की सीरीज में 15 सवाल आपसे पूछे गए थे जिसके जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का डी, पांचवे का बी, छठे का ए, सातवें का डी, आठवें का डी, नौवें का डी, दसवें का ए, ग्यारहवें का बी, बारहवें का डी, तेरहवें का सी, चौदह का डी और 15 का उत्तर होगा बी। तो ये रहा आपका एमसीक्यू 31 नंबर सीरीज के 15 सवालों के उत्तर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज की ओर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। गांधी जी ने जिस आदर्श समाज की परिकल्पना की थी उसका मुख्य आधार था। चार ऑप्शन है आपके सामने, सत्य, अहिंसा, नैतिकता और असहयोग। इन चार विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर दो की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दो है, गांधी जी निम्न में से किसे आत्मा की शक्ति मानते थे? गांधी जी निम्न में से किसे आत्मा की शक्ति मानते थे? चार ऑप्शन है, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, रामराज्य। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गांधी जी की दृष्टि में समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि गांधी जी की दृष्टि में समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। चार ऑप्शन है, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग। इन चार में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के आदर्श राज्य में निम्न में से किसका कोई स्थान नहीं था?
गांधी जी के आदर्श राज्य में निम्न में से किसका कोई स्थान नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने, सामंतवाद, पूंजीवाद, औद्योगिकीकरण, उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज के पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गांधी जी के अनुसार अपने साध्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए? गांधी जी के अनुसार अपने साध्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके सामने, औचित्यपूर्ण साधन, उचित साधन, नैतिक साधन और उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। छठे प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्र व्यक्ति से बढ़कर है क्योंकि व्यक्ति की पहचान राष्ट्र से होती है। यह स्टेटमेंट है एक व्यक्ति का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। राष्ट्र व्यक्ति से बढ़कर है क्योंकि व्यक्ति की पहचान राष्ट्र से होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न, गांधी जी के राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? चार ऑप्शन है, मानवतावाद, सर्वसमावेशी, वसुधैव कुटुंबकम, उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज के आठवें सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से किसने कहा कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है? निम्न में से किसने कहा कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है? चार ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी और उपर्युक्त सभी। नवे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन राजनीति और धर्म के सम्मिश्रण का पक्षधर था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो था वो राजनीति और धर्म को आपस में जोड़ने का पक्षधर था, उसके सम्मिश्रण का पक्षधर था। चार ऑप्शन है, अरविंद घोष, वीजी तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। दसवें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे गुरुदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है? निम्न में से किसे गुरुदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सत्येंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय। एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज के 11वें प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न में से रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है? ऑप्शन है, शिशु भोलानाथ, कणिका, गीतांजलि, उपरोक्त सभी। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? आपको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? चार ऑप्शन है, 1901 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। एमसीक्यू 32 के 13वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पूरी दुनिया एक घोसला है, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया एक घोसला है। आपको बताना है यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, संत विनोबा भावे। इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में मन की स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण माना है? आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किस व्यक्ति ने यह माना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में मन की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन है, सेंट थॉमस एक्विनास,
वेस्टर्न फिलोसफर था, संत विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। एमसीक्यू 32 नंबर के सीरीज के हम आखिरी और 15वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न है, अपनी जापान यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में राष्ट्रीय राज्यों की आलोचना की थी। अपनी जापान यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में राष्ट्रीय राज्यों की नेशन स्टेट की आलोचना की थी, जिसे संकलित करते हुए 2003 में किस नाम से प्रकाशित किया गया। यानी 1917 में अपने जापान यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशन स्टेट्स की जो आलोचना की थी, उस भाषण को संकलित करते हुए 2003 में एक पुस्तक प्रकाशित की गई। आपको बताना है कि उसका संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ था। चार ऑप्शन है, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। ये 15 प्रश्न थे आज के एमसीक्यू 32 नंबर की सीरीज के। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इन 15 प्रश्नों के अंतर्गत आप उत्तर, 15 प्रश्नों के उत्तर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। आज के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, फिर हम मिलेंगे एक छोटे से विश्राम के बाद एक नई टेस्ट श्रृंखला को आपके सामने लाकर। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।